गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद कैलाश। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे आरओ के एंडिसन की डोजिंग को कैसे निकालें, तो आइए सीखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट आरओ एंटी स्केलेट डोजिंग। फ्रेंड्स, हमें आरओ के एंटीसन की डोजिंग कितनी लगेगी उसको पता करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा, फीड फ्लो जो हमारा आरओ का फीड फ्लो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इनटू रिक्वायर्ड पीपीएम इनटू रनिंग आवर्स। तो फ्रेंड्स, आरओ के इंडस्ट्री कितना लगेगा हमारा, उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा फीड फ्लो इनटू रिक्वायर्ड पीपीएम ऑफ एंटीस्केलेंट, कितने पीपीएम की डोजिंग हमें करनी है, इनटू रनिंग आवर्स ऑफ द आरओ प्लांट। तो फ्रेंड्स, ये जो फीड फ्लो ये हम मीटिंग क्यूब में भी ले सकते हैं और लीटर्स में भी ले सकते हैं। पहले मीटिंग क्यूब में लेंगे। सब पहले हमारे पास जो आरओ है वो 10 केएल का आरओ है, जो उसका फीड है 10 केएल है और वो 12 घंटे हमारे चलता है और 5 पीपीएम की डोजिंग हमें करनी है। तो हम इसको लिख लेंगे पहले, फीड फ्लो 10 मीटिंग क्यूब पर आवर। रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीस्केलेंट ये रहेगी 5 पीपीएम, रनिंग आवर्स 12 आवर्स। हमारा जो आवर प्लांट है उसका फीड है 10 मीटर क्यूब पर आवर, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीस्केलेंट 5 पीपीएम, रनिंग आवर्स ऑफ द आवर प्लांट 12 घंटे। तो इस फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे, फीड फ्लो मीटिक में हमें लेना है 10 इंटू रिक्वायर्ड पीपीएम 5 पीपीएम हमारी को चाहिए इंटू रनिंग आवर्स 12। तो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, 160 एक जीरो और लगा के ये हो जाएगा 600 ग्राम। फ्रेंड, जो ये वैल्यू आ रही है, जो हमारा 600 आ रहा है, ये ग्राम आ जाएगा हमारा, 600 ग्राम हमारा जो है एंटीस्केलेंट लगेगा 12 घंटे में 5 पीपीएम के हिसाब से। तो हमें 600 ग्राम एंटीस्केलेंट ही, अगर हमारा आरओ का जो फीड फ्लो 10 मीटर क्यूब है पर आवर और रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन 5 पीपीएम में चाहिए और 12 घंटे हमारा प्लांट चल रहा है, तो हमारा 600 ग्राम आएगा। क्योंकि कोई भी एंटीस्केलेंट जो है जनरली 100% का आता है, हमें उसको कोई कम परसेंट का नहीं आता कि उसको हम 100% में कन्वर्ट करें, पहले वो 100% का ही एंटीस्केलेंट आता है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 600 ग्राम एंटीस्केलेंट हमारा आ रहा है। अगर हम इसको लीटर्स में लेंगे तो ये 10 मीटर क्यूब यानी कि 10,000 लीटर्स इंटू 5 पीपीएम इंटू 12 आवर्स ये हो जाएगा 6 लाख मिलीग्राम। फ्रेंड्स, ये अगर हम लीटर्स में ले रहे हैं तो ये जो वैल्यू आएगी ये मिलीग्राम्स में आएगी, तो ये आ गई मिलीग्राम्स में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, डिवाइडेड बाय 1000 600 ग्राम। 600 ग्राम हमारी एंटीस्केलेंट डोजिंग निकल के आ रही है कि हमने 600 ग्राम एंटीस्केलेंट जो है वो 12 घंटे के अंदर प्लांट के अंदर भेजना है और हमारा जो है 5 पीपीएम डोजिंग तब जाके पूरी होगी। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात एंटीस्केलेंट की डोजिंग जो हमने निकाली है कितना एंटीस्केलेंट लगेगा। तो आइए जानते हैं डोजिंग पंप को हम कैसे सेट करेंगे। जनरली जो डोजिंग पंप आते हैं जो आरओ के लिए स्पेशली आते हैं वो या तो 4 LPS पर आवर या 6 LPS पर आवर रहेंगे, इससे बड़े भी आते हैं लेकिन अलग अलग पर्पज के लिए आते हैं। तो जनरली जो आरओ के लिए रहेंगे या तो 4 LPS या 6 LPS पर आवर के ही यूज होते हैं।
सबसे हमारे पास जो है डोजिंग पंप है सिक्स LPH, हमारे पास डोजिंग पंप है सिक्स LPH का, 6 लीटर पर आवर, वो 1 घंटे में 6 लीटर ही फेंकेगा अगर हम उसको चला रहे हैं 100% में। डोजिंग पंप ने आपने देखा होगा परसेंटेज रहती है 25, 50, 75, 100 इस तरह से रहती है, या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस तरह से रहती है। अगर वो हम 100% में चला रहे हैं तो ये 6 लीटर पर आवर का फ्लो रहेगा, अगर हम इसको 50% में चला रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 लीटर पर आवर। कई बार लोग कहते हैं कितना वेंटिलेशन में, कितना पानी में हम कितना इंडक्शन मिलाएं। फ्रेंड्स, जो हमारी 600 ग्राम जो हमारा इंडक्शन आ रहा था वो भी आगे जाके जो हमारा फीड फ्लो है उसी में मिल जाता है, तो हमें ये डाउट नहीं रख मन में रखना है कि कितने पानी में कितना मिला है, ये हमारे डोजिंग पंप पे डिपेंड करेगा कि कितना पानी हमें मिलाना है। 6 लीटर पर आवर अगर हम 100% में चला रहे हैं, 3 लीटर पर आवर अगर हम 50% में चला रहे हैं, हमारा रनिंग आवर्स 12 आवर है, अगर हम उसको 50% में सेट करेंगे तो 1 घंटे का 3 लीटर और 12 घंटे का 12 × 3 = 36, तो 12 घंटे में हमारा 36 लीटर जो है वो फेंक पाएगा अगर हम उसको 50% में चला रहे हैं। तो हमको जो टैंक की जरूरत है वो 36 या 50 लीटर का भी हम टैंक ले सकते हैं जिसमें हम 36 लीटर पानी मिलाएंगे, उसमें प्लस 600 ग्राम जो है एमटीस के लिए हम ऐड कर देंगे, तो टोटल जो रहेगा हमारा 600 ग्राम, ये है ये 36 लीटर है, तो 36 लीटर में हमने 600 ग्राम जो है एंटीस्कन को डालना है और 50% में उसको चलाना है। ये पूरे 12 घंटे में जो है हमारा जो रोलिंग टैंक है वो खाली हो जाएगा और 12 घंटे में ये पूरा खत्म, एंटीस्कन जो है प्लांट के अंदर चला जाएगा, तो हमारी जो है 5 PPM की डोजिंग पूरी हो रही है। अगर हमारा पानी बच जाता है इस टैंक में, पानी बच जाता है डोजिंग टैंक में और हमने 12 घंटे के हिसाब से बनाया था, तो कहीं ना कहीं जो एंटीस्कन टेस्ट में रह गया था और डोजिंग जो हमने 5 PPM की करनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो एंटीस्कन है वो उस टैंक में बच जाएगा। तो ये ध्यान ये रहे कि हमारा डोजिंग पंप प्रॉपर उठा रहा है, प्रॉपर चल रहा है और जो पानी हम बना रहे हैं, जो डोजिंग केमिकल हम बना रहे हैं एंटीस्कन का, वो बचना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बड़ा टैंक है और 100% में हमें चलाना है तो हम 6 लीटर 1 घंटे का 12 12 घंटे का कितना हो जाएगा 72 लीटर, तो 72 लीटर पानी में भी हमने इतना ही मिलाना है, क्योंकि ये जो 600 ग्राम एंटीसन मिल रहा है ये आगे जाके कहीं ना कहीं इस जो 10 MTQ पर आवर का जो फ्लो है उसी में मिल रहा है। तो जो एंटीस्क्रीन की डोजिंग रहेगी ये हमने निकाल दिया 600 ग्राम जितना हमें लगेगा, प्लस में डोजिंग पंप को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं 100% में चलाएंगे तो 6 LPH का आया, हमें देखना है हमने 6 LPH का तो 6 LPH फेंकेगा, अगर 50% में हमें चलाना है तो वो 3 LPS का डोजिंग पंप हमारा हो जाएगा उस टाइम पे। और अब हमारे पास बड़ा टैंक नहीं है 100 लीटर 50 लीटर का, तो हम जो है 40 लीटर का टैंक भी ले सकते हैं, बढ़ते हैं 36 36 लीटर हमारा जो पानी है उसमें 600 ग्राम इंटीग्रेशन में मिलाना है जो 12 घंटे के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा और हमारे जो है 5 PPM की डोजिंग पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? तो फिर नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे भी हम बहुत सारी वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी आशा करता हूँ। थैंक यू।